हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएनसी के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक ब्लीडिंग होना कॉमन है और यह भी जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह की ब्लीडिंग होना कॉमन नहीं है डीएनसी के बाद। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें इस वीडियो में। तो देखिये, डीएनसी के बाद नॉर्मली मोस्टली जो फीमेल होती है उनको 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। कुछ को तो होती ही नहीं है जो कि कॉमन है। जी हाँ, कुछ को 1 दिन, कुछ को 2 दिन, कुछ को 3 दिन। टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज जानेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक ब्लीडिंग डीएनसी के बाद हो सकती है। जी हाँ, तो देखिये, डीएनसी के बाद ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 दिन तक ब्लीडिंग होना भी कॉमन है। जी हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो कितने दिन की रही होगी। अगर ज्यादा दिन की वो रही थी, यानी कि 3 महीने की प्रेगनेंसी में आपने डीएनसी करवाई आपका, या मिसकैरेज हो गया, ठीक है, उसके बाद सफाई आपने कराई, या फिर ज्यादा दिन की आपकी प्रेगनेंसी थी, 3 महीने, 3.5 महीने की प्रेगनेंसी, तो उसमें आपको ब्लीडिंग ज्यादा दिन तक भी चल सकती है, यानी कि 12 से 14 दिन तक भी चल सकती है, जो कि बहुत ही कॉमन है। मोस्टली जब हम अनवांटेड किट लेते हैं, अगर वो सही से नहीं लेते हैं तो कुछ मटेरियल अंदर रह जाता है, तो उसके बाद डीएनसी के लिए डॉक्टर बोलते हैं, उस टाइम पे हम डीएनसी करवाते हैं। फिर कुछ लेडीजों का 2 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, वहां पे जो टैबलेट है वो काम नहीं करती, तो इस केस में जो लेडीज हैं वो डीएनसी की तरफ जाती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि डीएनसी के बाद ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग आपको दिख सकती है, यानी कि जितने ज्यादा दिन की प्रेगनेंसी होगी उतने ज्यादा दिन की आपको ब्लीडिंग आपको हो सकती है। लेकिन अगर कम दिन की प्रेगनेंसी रही हो आपकी, 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी रही हो, तो उसमें 2-3 दिन होने के बाद रुक भी जाती है, या फिर 1 दिन होने के बाद भी रुक जाती है, या फिर ब्लीडिंग आपको होती ही नहीं है, जो कि कॉमन है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह की ब्लीडिंग होना कॉमन नहीं है डीएनसी के बाद। जी हाँ, देखिए, डीएनसी के बाद अगर आपको ब्लीडिंग लगातार चल रही है और काफी हैवी ब्लीडिंग चल रही है, यानी 10-12 दिन हो गए आपको और ब्लीडिंग इतनी हैवी चल रही है कि आपको हर 2 घंटे में सैनिटरी जो पैड है वो बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि जो पैड है आपका फुल हो जा रहा है, इस तरह की हैवी ब्लीडिंग आपको हो रही है, काफी पेन आपको हो रहा है, इस तरह के काफी मरोड़े आपको हो रही है, तो तब ये मान के चलते हैं कि आपकी डीएनसी सही तरीके से नहीं हुई है। दूसरा, इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है कि जैसे डीएनसी के बाद हमको ब्लीडिंग होने के बाद जैसे रुक जाती है, उसके बाद हमारे पीरियड आते हैं, 4 से 6 हफ्ते के बीच में हमारे पीरियड आ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा हो रहा है कि आपने को 12 दिन ब्लीडिंग हुई, उसके बाद 12 दिन रुकी, फिर से आपको बीच बीच में इरेगुलर ब्लीडिंग चल रही है और उसमें पेन काफी हो रहा है और उस ब्लीडिंग में काफी खराब स्मेल आपको आ रही है, तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया हो अंदर। देखिए, होता क्या है कि कुछ मटेरियल अगर अंदर रह जाता है, डीएनसी अगर सही तरीके से ना की गई हो, तो उसमें कुछ मटेरियल अंदर रहने की वजह से वो लगातार ब्लीडिंग को कॉज कर सकता है और अंदर ही अंदर इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। तो इसलिए आपको 14 दिन बाद जरूर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि आपकी डीएनसी सही से हुई है या फिर नहीं हुई है, कोई मटेरियल तो अंदर नहीं रह गया है, समय रहते आप पकड़ पाएंगे, ताकि बाद में आपको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन आपके बच्चेदानी के लिए सही नहीं है, बाद में वो नुकसान कर सकता है, आपको प्रेगनेंसी लगने में भी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए समय रहते आप अवेयर रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अवेयर रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट में जरूर लिखेंगे, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं यह भी हमें जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।